हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएमएसए चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं अगर यह आप लोगों को पसंद आता हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। कल इसका फर्स्ट पार्ट बताए थे, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो उसी तरह से करना है जैसे इसमें क्या दिया गया था। यह एक बंद पेट्रोल टंकी है क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसके आप जो टंकी का जो आधार है ये बंद टंकी है। इसका जो निचला सिरा है इसका व्यास दिया है, निचला या ऊपर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। आधार का व्यास दिया है 4.2 मीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है इस टंकी का हमें पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका व्यास 4.2 और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो उसको तो हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे दिया है। जैसे दिया है इसमें क्या टंकी का हम बताए थे कि टंकी की ऊंचाई h बराबर बताया गया था 4.5 मीटर। टंकी की त्रिज्या निकालेंगे, टंकी की त्रिज्या को r से व्यक्त करेंगे। r बराबर क्या होगा 4.2 का आधा यानी बटे 2 बराबर 2.1 मीटर, ये टंकी की त्रिज्या हो जाएगी। और इसलिए अब टंकी का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πrh, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2×22/7×r, r का मान 2.1×h का मान 4.5, ठीक है। ये तो उसी तरह से रहेगा जैसे 7 से कटाया गया था, तो 7×3=21.03 और 22×44 हुआ था, और यहाँ गुणा कर देंगे अगर तो 3×5=15 और 3×4=12=13। 3×5=15 और 3×4=13 और 1 अंक के पीछे 1 दशमलव, 2 अंक के पीछे 0.4। 44 में 1.3 का 3×5 का गुणा करना है, तो 44 में 1.35 का गुणा करेंगे तो 59.4 यही आया था, 59.4 वर्ग मीटर। यह हमारा पहले का आंसर आ गया था, ठीक है। पहला ये तो बताए थे कल पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है टंकी को बनाने में, सेकेंड इसका पार्ट है कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा या लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। कुल कितना इस्पात लगा होगा ये दिया गया है। अब जैसे टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है ये हमको बताना है। तो देखिए, अब टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है, तो पहले हम टंकी का कुल कितना इस्पात लगा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। अभी तो केवल हम वक्र पृष्ठ निकाले हैं, वक्र का मतलब केवल किनारे वाले भाग का, जैसे कोई टंकी है बेलनाकार तो केवल किनारे वाले भाग का हम क्षेत्रफल बताएं, वक्र यानी मुड़े हुए भाग का। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले 2 नंबर में हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे,
तो टंकी का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। टंकी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πRh + 2πR2। 2πRh + 2πR2 या ये कहीं में निकालेंगे 2πR × R + H। ठीक है, तो हमको चूंकि 2πRh हम एक बार निकाल चुके हैं तो हमारा समय बचेगा, ठीक है, इसलिए हम दोबारा इसको नहीं निकालते हैं, इसको यहीं पर लिख देते हैं 559.4 + 2π का मान है 22/7 और R2 देखें दिया 2.1, R का मान कितना दिया है 2.1, तो 2.1 कितनी बार, दो बार स्क्वायर है, R2 का मतलब R × R, तो R का मान है 2.1, 2.1 × 2.1 ऐसे निकालेंगे। अब इसको कटाएंगे 7 से तो 7 × 21 ये भी आएगा 0.3 और यहाँ पर निकालेंगे तो 59.4 को ऐसे उतार ले और इसको गुणा कर देते हैं 22 × 44, 44 × 132, 22 × 44, 44 × 132 हो जाएगा 132, ये होगा 3×12, 3×12 13, तो 13.2 हो गया। इसमें गुणा करना है 2.1 का, तो फिर 59.4 और 13.2 में 2.1 का गुणा करना है, तो 13.2 में 2.1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27.72, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 27.72। ठीक है, गुणा करके देख लेंगे, 13.2 में 2.1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27.72 यानी 27.72। आप दोनों को जोड़ लें तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखे 2 × 2 ही रहेगा और 7×4 = 11 होगा और यहाँ पर 7×9 = 16 और ये कितना हुआ 17 और 5×2 = 8, ये हो गया हमारा 87.12 मीटर का स्क्वायर या इसी को वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन किताब में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि उसके बनाने में कुल भाग का 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया। ठीक है, टंकी के बनाने में कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हम मान लें कि कुल टंकी में इस्पात लगा है x, अगर मान लें या लिख देते, देखिए माना कुल लगा इस्पात बराबर क्या हो गया x। ठीक है, कुल इस्पात कितना लगा x, अब x में से 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया, तो 1/12 भाग अगर नष्ट हो जाएगा तो शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग कुल भाग तो एक होता है, किसी भी पार्ट का एक भाग पूरा पूरा भाग अगर लेते हैं तो उसको क्या मानते हैं एक मानते हैं, और इसमें से 1/12 हमारा क्या हो गया नष्ट हो गया, तो शेष कितना बचा, लसन निकालेंगे इसको तो 12 होगा, यहाँ हो जाएगा 12 − 1 यानी आएगा 11/12, कितना भाग हमारा बचा शेष भाग हमारा बचा 11/12। ठीक है, शेष हमारा भाग कितना बचा 11/12, लेकिन कुल इस्पात कितना था हम क्या माने यक्ष, अब यही यक्ष का जो 11/12 भाग है, यह यक्ष का जो 11/12 भाग है यही एक कुल संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कुल भाग को हम यक्ष माने हैं, उसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया तो बचा कितना, बचा हमारा 11/12 भाग, तो टंकी के कुल इस्पात का तो 11/12 ही भाग ना टंकी में कुल लगा है, और वही 11 भाग क्या है संपूर्ण पृष्ठ है, इसी को क्षेत्रफल मान लेंगे दोनों के बराबर। अब यहां से कितना दिया है 87.12, इसको हटा दे रहे हैं। अब यहां से देखें यक्ष का मान जब निकालेंगे तो यक्ष बराबर क्या हुआ 87.12, ये 12 नीचे है तो ऊपर 12 का क्या करेंगे गुणा और नीचे 11 का भाग,
ठीक है। अब पहले गुणा की प्रक्रिया करेंगे तो यक्स बराबर 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हासिल 2 हुआ, 12 कम 12 और 2 14 को 4 हासिल 1 होगा और 12 सत्ते 84 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 85 को 5 हासिल 8 हो गया और 12 बटे कितना होता है 96 और 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 कितना हो गया 104 यानी x बराबर 104 यहां लिख दिए। और देखिए दो अंक के पीछे दशमलव है तो दो अंक के पीछे दशमलव दे देना है ठीक है। अब बटे कितना है 11, अब 11 से हम क्या करते हैं भाग देते हैं तो कितना है 1045.44 1045.44 और इसमें देखिए हम भाग देते हैं 11 का तो 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 तो देखिए 14 में से 9 गया कितना हुआ 5 और यहां से 5 उतार दिए तो 11 5 55 एक कट गया पूरा ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ दशमलव है तो दशमलव देंगे और दशमलव के देने के बाद यहाँ एक अंक उतार सकते हैं लेकिन क्या भाग जाएगा 11 से इसमें नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हमें यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा और जब जीरो बढ़ाएंगे तो एक 4 एक उतार देंगे तो 11 चौ 44 अब यहाँ 44 से हमारा कैंसिल हो जाएगा आया समझ में तो कितना आया 95.04 ये हो गया 95.04 मीटर का स्क्वायर ये हमारा दूसरे का आंसर है। इसे देख ले इसको क्या करना है दिया इसमें संपूर्ण पृष्ठ में यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कहां से क्या दिया है ये तो मालूम है। अब कह रहा है दूसरे नंबर पार्ट में कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि उसे बनाने में उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया मान 1/12 भाग उसका समाप्त हो गया खराब हो गया उसमें से। तो देखिए हम टंकी का पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालें। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ वह भाग होता है जो टंकी का पूरा यानी वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों का क्षेत्रफल यही भाग होगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है कि इस टंकी का वक्र पृष्ठ भी है और ऊपर और नीचे दोनों सिरों का क्षेत्रफल भी है तो संपूर्ण हमको हो गया। तो देखिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है 2πRh और +2πR2 ठीक है। तो 2πRh यानी वक्र पृष्ठ का मान हम निकाल दिए हैं इसलिए हम दोबारा इस पे समय नहीं खर्च कर रहे हैं। अगली बार समझ में अब हमको क्या निकालना है 2πR2 तो 2π का मान है 22/7 R2 तो R यहाँ पर दिया है 2.1 तो 2.1 का कितनी बार गुणा 2 बार गुणा अब 7 से इसको 2.1 को कटाएं तो 0.3 आएगा ठीक है। 2.1 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.3 अब गुणा किए हैं तो 22 दूनी 44 132 आया और इसमें 2.1 का गुणा किए 2.1 से 13.2 से गुणा करेंगे यानी 132 में अगर 21 का गुणा किया जाए तो 2772 आएगा। और दशमलव कैसे लगाएंगे एक अंक के पीछे यहाँ भी दशमलव एक अंक के पीछे यहाँ भी दशमलव है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंक हो गया यहाँ पर 2 अंक के पीछे दशमलव लगा देंगे ये दशमलव का गुणा है। यहाँ 59.4 और 27.72 दोनों को जोड़ा गया है तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ आया है 87.12 वर्ग मीटर ठीक है। अब देखिए क्या है चूंकि किताब में दिया है कि कुल लगा इस्पात कितना है जितना इस्पात लगा है उसका 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया तो हम मान लिए कि कुल कितना इस्पात लगा है यक्स तो 1/12 भाग तो नष्ट हो गया टंकी के कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया तो क्या होगा यहाँ पर कितना बचेगा यक्स में से अब यहाँ पूरा भाग हम एक ही माने जैसे तो एक में से हम 1/12 निकाल दिए तो कितना हो गया 11/12 हो जाएगा और इस यक्ष का 11/12 भाग अब केवल बचा है पूरा यक्ष नहीं बचा है यक्ष का क्या बचा है 11/12 या यक्ष में से हमें भी कह सकते हैं जैसे लिखा है किताब में वैसे भी समझे जैसे हम कुल भाग मान लीजिए हैं यक्ष और क्या कह रहा है कि कुल इस आग का 1/12 भाग नष्ट यानी यक्ष का 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया कुल इस्पात तो यक्ष
यक्ष का 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो ऐसे भी निकालेंगे तो यक्ष में से जब हम यक्ष में 1/12 का गुणा करेंगे तो यक्ष 1/12 होगा, और इसको अगर घटाया जाएगा तो 912 या 12 यक्ष होगा, और यहाँ माइनस यक्ष आएगा तो कितना आया 11 यक्ष 1/12। देखिए यहाँ पर आया ना, मैंने कुल इस्पात तो यक्ष है और उस इस्पात का 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो यक्ष में से यक्ष 1/12 भाग घटाएंगे तो 11 यक्ष 1/12 भाग बचेगा, और नहीं तो 1/12 घटा दे 11/12 आया, वही यक्ष गुण 11/12 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब यही इतना भाग जो शेष भाग बचा है इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे तो जब यक्ष का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये गुणा है 11/12 तो हमको यक्ष का केवल मान बताना है, जब 11/12 यानी राइट हैंड साइड में उसको ले जाएंगे तो यहाँ 12/11 हो जाएगा। ठीक है, और 12 से यहाँ गुणा कर दिए 1045.44 और 11 का भाग देंगे तो 95.04, ये कैसे आया है यहाँ पर बता दिए। तो आ गया समझ में ना, देखे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यह एक लैंप सेट का फ्रेम है। ठीक है, एक लैंप सेट का फ्रेम आप जिसे देख रहे हैं, ये जो आकृति दी गई है यह एक लैंप सेट का फ्रेम है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, इसे इसके ऊपर जो है किसी सजावटी कपड़े से क्या करना है, ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर, फ्रेम का जो आधार है इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है। ठीक है, आधार का व्यास दिया 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है इसका 30 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा गया है, इस फ्रेम के ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ा गया है और इसके नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का ढकने के लिए क्या किया गया है, कपड़ा छोड़ा गया है। तो ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, हमको ये बताना है कि सेट को ढकने के लिए कुल कपड़े की आवश्यकता कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है यह जो आकृति है यह एक लैंप सेट का फ्रेम है जिसके जिसका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, इस लैंप सेट को ढकने के लिए एक कपड़े का कवर बनाना है, तो इसकी कवर ऐसा बनाना है कपड़े का कि ऊपर भी इसके 2.5 सेंटीमीटर और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर क्या किया गया है, छोड़ा गया है, ताकि कपड़े से इसको ढका जा सके, यानी फ्रेम पूरा क्या हो जाए, ढक जाए। अगली बात समझ में, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कपड़ा है ना, अब लिखेंगे क्या इसमें दिया है, व्यास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इसलिए लैंप सेट की त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या आर बराबर इसका आधा होगा 20/2 यानी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिया है लैंप सेट की ऊंचाई, लैंप सेट की ऊंचाई, तो लैंप सेट की ऊंचाई कितना दिया है, ये दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन कपड़ा जो लगेगा हमको तो लैंप सेट का क्षेत्रफल नहीं बताना है, हमको तो इसमें लगे कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है,
तो इसमें जो कपड़ा लग रहा है ऊपर भी 2.5 नीचे भी 2.5 क्या है मोड़ा गया है, इसलिए क्या लिखेंगे अब यहाँ पर कपड़े की लंबाई या कपड़े की ऊंचाई मान लें, तो कपड़े की ऊंचाई कितनी है इसको हम यच मानेंगे। एक पीस तो दिया ही है और दोनों बगल 2.5 है तो 2 × 2.5 क्या कर दे इसमें जोड़ दे, समझ में आया, जैसे चीज तो रहेगा ही 2.5 ऊपर भी है 2.5 नीचे भी है तो 2 × 2.5 ठीक, यानी कितना हो गया ये हो गया 30 आप प्लस 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 5.0 यानी 30.5 हो गया 35 सेंटीमीटर, ये हो गया कपड़े की ऊंचाई ठीक है। अब हमें केवल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगली बात समझ में, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh, अब यहाँ पर 2π का मान रख दे 22/7, r का मान कितना है 10 और h का मान हम निकाले हैं 35, 7×5=35, ये हो गया 22×44, और 44×5=5, 5×20=22, 220 होता है 44×5=5×20=22, 220, तो 220 हो गया और एक यहाँ पर 0 भी है यानी 2200 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है, यही हमारे कुल कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा, बस यही पूछा है ठीक है। क्वेश्चन देखे क्या दिया है, दिया है कि लैंप शेड है, इस शेड को इस जो दी गई आकृति है इस आकृति को ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस कपड़े के जो लंबाई है, लंबाई मतलब ऊंचाई ये जो दी गई है ये 30 तो दिया ही है, 30 तो लैंप शेड की ऊंचाई है, लेकिन कपड़ा ऐसा करना है कि ऊपर भी 2.5 और नीचे भी 2.5 क्या हो मुड़ा रहे, इसीलिए हम क्या किए हैं कि कपड़े की ऊंचाई के लिए 30 में 2×2.5 जोड़ दिए हैं यानी 5 जोड़ दिए तो हो गया 35, 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5.0, तो 0 के बाद चूंकि 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है केवल 5 हम लेंगे तो 30×5=35, और लैंप का जो व्यास दिया है चूंकि 20 सेंटीमीटर दिया था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर ठीक, और कपड़े का आगे क्षेत्रफल निकाल देना है इसको 2πrh, कपड़े का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πrh 2×π का मान 22/7, r का मान 10 और ऊंचाई h बराबर 35, ये 35 लेंगे इस 30 से कोई मतलब नहीं है ठीक है, अब 35 लेंगे तो 7×35 गुणा कर दे 22×44, 44×5=220, 10 या 10 में बढ़ा दे तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया ठीक है, किसी विद्यालय में गत्ते से ठीक है, गत्ता सब लोग जानते हैं ना, गत्ते से कलमदान बनाना था, बेलनाकार कलमदान बनाने के लिए विद्यार्थियों से कहा गया, किसी स्कूल में जो है बच्चों से एक प्रतियोगिता कराई गई और किस चीज की प्रतियोगिता थी कि गत्ते से कलमदान बनाना है ठीक है, और उनको गत्ते बनाने के लिए और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बनाना था, प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर का बनाना था ठीक है, कलमदान की त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर, विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, अब गत्ता जो देना था वो विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था कि मतलब विद्यालय के द्वारा गत्ते सबको प्रदान किए जाएंगे दिए जाएंगे, और इसमें कुल 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा ये हमें बताना है कि विद्यालय को कुल कितने गत्ते खरीदने पड़े होंगे कि वो 35 विद्यार्थियों को गत्ते से कलमदान बनाने के लिए गत्ता प्रोवाइड
कर सके, ठीक है ना, यानी कुल कितना जो उनको देना है ये बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें दिया है कि कलमदान जो है गत्ते से बनाना है। कलमदान का मतलब होता है कलम रखने के लिए ऐसी एक आकृति है, ठीक है ना, कलम रखने के लिए आकृति है। इसमें हम कलम रख दें, मतलब खड़ा स्टैंड, जैसे स्टैंड होता है किसी चीज का, तो कलम रखने के लिए इसमें डाल दिया जाए तो कलम क्या हो उसमें पड़ा रहे, यही कलमदान है। और किससे बनाना था, गत्ते से बनाना था। इसकी त्रिज्या कितनी दिया है, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दिया है कलमदान की, यानी आधी दूरी, आधार की आधी दूरी है 3 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या। आगे सुनने, पूरा नहीं है, यहाँ नीचे वाला जो भाग वृत्ताकार है तो वृत्त का ये व्यास नहीं है, क्या है, त्रिज्या है, आधी दूरी है। और इसकी ऊंचाई दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 10.5, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, मालूम हो गया। तो पहले क्या करेंगे, हम एक कलमदान का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, एक कलमदान को बनाने में कितना गत्ता लगता है पहले निकाल ले, आया समझ में। अब कितने विद्यार्थी कुल प्रतिभाग ले रहे हैं, 35 विद्यार्थी हैं, उसी 35 का गुणा कर दे, हमको कुल क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा कि विद्यालय के द्वारा कितना गत्ता दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की त्रिज्या आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये कलमदान है, ठीक है, तो इस कलमदान की जो त्रिज्या है कितनी है, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी दूरी, समझ में आया ना, ये आधी दूरी यानी वृत्त की आधी दूरी, वृत्त के व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, सब लोग पढ़े होंगे। जैसे वृत्त है, वृत्त का एक किनारे से एक किनारे तक केंद्र को मिलाने, माने केंद्र से होकर के जो रेखा जाती है, आधार को मिलती है, उसी को व्यास कहते हैं, और इसकी आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और कलमदान की ऊंचाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ये दोनों हमको पता है, तो त्रिज्या हम लिख दी। अब यहां लिखेंगे कलमदान की ऊंचाई, कलमदान की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं, यच से, त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, आर से, एकदम याद रखें, आर माने होता है रेडियस और यच माने क्या होता है, हाइट, ठीक है। यहाँ पर यच कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दी गई, तो इसकी ऊंचाई दी गई है। अब हमको क्या निकालना है, कलमदान का क्षेत्रफल, इसलिए कलमदान का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, क्या हमको निकालना है, कलमदान बनाने के लिए किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दें तो हो जाएगा क्षेत्रफल, नहीं होगा। कलमदान बनाएंगे तो ऊपर से, तो मान लो कलम इसमें डालेंगे तो ऊपर तो खाली रहना चाहिए, ऊपर तो खाली रहना चाहिए, और नीचे भी अगर खाली छोड़ देंगे तो उससे कोई मतलब है नहीं, जो रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है और आधार का एक क्षेत्रफल निकालना है, एक सिरे का क्षेत्रफल निकालना है, तभी होगा। कलमदान करने में दोनों अगर बंद कर देंगे तब तो उसमें कलम रखा ही नहीं जाएगा। हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ और नीचे वाला जो आधार, इसको तो बंद करना है ना, जैसे मान लो कोई ड्रम है, अब ड्रम में नीचे का आधार खुला रहे तो उसमें हम सामान रख के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो सेम यहाँ भी वही कंडीशन है, कलम उसमें डालना है तो नीचे वाला सिरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए और ऊपर वाला खुला होना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, वक्र पृष्ठ और प्लस क्या निकालेंगे, एक सिरे का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ निकालेंगे और एक सिरे का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ माने किनारे किनारे जो गत्था लगा है, जो गत्ता जो किनारे किनारे लगा है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला तो सब लोग अभी बताए हैं, होता है 2 पाई आर एच, और एक सिरे का क्षेत्रफल
यानी सिरा क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसी का मान सब निकाल दो, तो दो गुणे पाई का मान है 22, आर का मान है 3, और एच का मान दिया है 10.5 प्लस, अब इसको पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है तो 3×3। यहां तक तो सबको समझ में आया कैसे किए हैं। हम नेक्स्ट देखे क्या करेंगे, 7 से इसको कटाएंगे, 7 से इसको कटाना है, तो 7 से इसको अगर कटा देंगे तो 7 × 7 3×5 होगा और 7×5 हो जाएगा 35, 1.5 बार निकट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 22×44 और 44 यहाँ होता है 132। अब गुणे यहाँ पर क्या बचा, 1.5 प्लस, यहाँ देखिए 22/7 है तो 22/7 और गुणे 3.3 रहने देते हैं, सॉरी 3.3 कह रहे हैं, 3×3=9, इतना कुल जो है वर्ग सेंटीमीटर एक कलमदान का क्षेत्रफल होगा, मतलब एक कलमदान को बनाने में जो जो कलमदान का क्षेत्रफल है, एक कलमदान बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर गत्ता लगेगा, मालूम हो गया ना, एक कलमदान को बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर गत्ता लगेगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, क्योंकि अब 7 से 9 भी नहीं कटेगा, 7 से 22 भी नहीं कटेगा, तो इस पर समय खर्च करेंगे, फिर कटाएंगे या फिर उसमें गुणा करेंगे, हो सकता है आगे कुछ और मिले। हमको ऐसे कितने कलमदान बनाने हैं, 35 बनाने हैं, तो देखें ये तो एक कलमदान का हम क्षेत्रफल निकाले हैं, हमको 35 कलमदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे 35 कलमदान का क्षेत्रफल बराबर, तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल जब बताएंगे तो क्या करेंगे, जितना एक कलमदान का क्षेत्रफल है इसमें हम 35 से गुणा कर देते हैं, तो 35×132×1.5 आधन 22/7×9, इसी में गुणा करना है, हर एक का है एक में 35 से गुणा कर, समझ में आया। अब चूंकि ब्रैकेट के भीतर देखो यहाँ लिखे हैं, क्योंकि यहाँ दो राशि है, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, तो इस 35 से गुणा क्या करेंगे, दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 35 इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 132×1.5×35, यहां भी 35 से गुणा कर दें, प्लस देखे 22/7×9 अगुणे कितना हो गया 35, यहाँ भी 35 से इसमें भी 35 से, अब देखो यहाँ 35 जब यहाँ गुणा करेंगे तो 7×5=35 देखे कट गया, भाग से हम बच गए। अगली बात समझे, अब क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर लें, 132 में 15 में 35 का एक साथ गुणा कर लें, तो देखिए पहले 132 में हम 15 का गुणा करते हैं, 132 इसमें हम गुणा करते हैं 1.5 का, तो देखिए 15×30 15×3=45 3×48 हसे 4 हुआ, और 15×15=19 ये आ गया 198, 0.0 है यानी शून्य मानी कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई अंक नहीं, 198 आया, और 198 किसका गुणा करना है 35 का, और 35 का गुणा कर ले तो देखिए 5×8=40 4 हुआ, 5×9=45 4×49 और 5×5=9 3 से करेंगे 3×8=24 और 3×27=29 और 3×1=5 ये आ गया आपका 0, 9×4=13 9×9=18=19 और 5×6=6930 6930 यहाँ देखें 1.5 किए थे 198 आया है, 0 खत्म हो गया, अब 35 का गुणा किए तो 6930 इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना, इसमें 0 नहीं है। अब क्या करते हैं, इधर वाला गुणा करते हैं, 22 में 9×5=45 का गुणा कर देते हैं, 22×45 ठीक है, ये 22 ने 9×5=45 कर दिए, यहाँ क्या करेंगे देखें, 22×5=110 0×11 होता है, और 22×88=98 ये आएगा 990 ठीक है,
बाईस पच्चीस 110 शून्य होगा, हासिल 11, 22 को 88, एक जोड़ेंगे तो 89, 10, 99, 990 गुणा करके देख लेंगे सब लोग, ये हो गया कितना 990। अब दोनों को जोड़ दें, जीरो को जीरो, 9 3 12 और 9 9 18 19 और 6 1 7 7920 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लें। दिया है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया, और कौन सी प्रतियोगिता थी, उसमें गत्ते से एक कलमदान बनाना था, और इस कलमदान का जो आधार है, जो वृत्ताकार है, एक कलमदान का नीचे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और कलमदान की ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। कुल कलमदान में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है, तो विद्यालय के द्वारा गत्ता प्रदान किया जाना था, तो विद्यालय जो उन विद्यार्थियों के लिए कुल कितने गत्ते की व्यवस्था करेगा, ये हमको बताना है, यानी कुल कितना क्षेत्रफल होगा गत्ते का। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले कलमदान की त्रिज्या लिख दी गई है 3 सेंटीमीटर, किताब में दिया है, और एक कलमदान की ऊंचाई है 10.5, ध्यान से देख लें। अब क्या किए, हमको एक कलमदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो कलमदान बनाने में हमको पहले माइंड में बैठा लेना है कि कलमदान को बनाने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा और आधार का क्षेत्रफल लगेगा, ऊपर वाला सिरा क्या होगा, खुला होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये माइंड में बैठा लें कि कलमदान कैसा होता है, तो उसमें वक्र पृष्ठ और एक सिरे का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है 2πRh, और एक सिरे का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² 2π का मान 22/7, सभी लोग इसको याद रखेंगे, r का मान यहाँ से 3 उतारा गया है, अगुड़े h है तो h की जगह पर 10.5, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर देखिए पाई है तो पाई की जगह पर 22/7, अगुड़े r² है तो r² का मतलब है कि 3 × 3, r का मान 3 है, r 2 बार है तो 3 × 3 हो गया। अब क्या किए हैं, 7 से 10.5 को यहाँ कटा दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, तो 1.5 बार में कट गया, भाग देके देख लेंगे। अब 22 × 44 132 हुआ, यहाँ लिख दिए हैं, आया हुआ हमारा 1.5, ठीक, प्लस है तो प्लस का चिन्ह उतारे हैं, अब 22/7 × 9 ऐसे ही लिख दिए हैं, बुरा उड़ा नहीं की, भाग उड़ा नहीं की, वैसे छोड़ दिए, ठीक है ना। ए हो गया एक कलमदान का क्षेत्रफल, अब हमको ऐसे कितने कलमदान बनाने हैं 35, तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना एक कलमदान का क्षेत्रफल है इसमें 35 से गुणा करना है, गुणा करने का मतलब क्या है, 35 लिखे हैं उसको ब्रैकेट में डाल दें, हो गया गुणा। अब चूंकि यहाँ पर दो यहाँ पर संख्याएं हैं, बीच में प्लस है, इधर वाला एक है, इधर वाला एक पद है, तो इसमें भी हमको 35 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी हमको 35 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मालूम होगा सब लोगों को गुणा, पीछे भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि अगर दे देता है ऐसे कि 5 या ब्रैकेट में अगर 3 × 6 हो तो क्या है, एक तो मान लो ये नियम हो गया कि यहाँ तो अगर संख्या दिख रही है तो पहले इसको जोड़ा जाता है कि 6 3 9 9 5 45 हो गया, या तो ऐसे करें, या ऐसे करेंगे कि 5 × 3 और धन 5 × 6, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 का हो गया 30, 30 × 15 कितना हुआ 45, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में जब यहाँ कोई संख्या दी जाती है, अगर दो संख्या ब्रैकेट में दी जाए तो इससे इसमें भी गुणा करते हैं और इससे इसमें भी गुणा करते हैं, देख रहे हैं ना, ये बराबर हो गया कि नहीं इसी के, तो उसी तरह से यहाँ भी हम क्या किए हैं, इसमें भी 35 का गुणा कर दिए, और ये जो 22/7 × 9 है इसमें भी 35 का गुणा कर दिए, यहाँ गुणा किए तो 7 × 5 = 35 यहाँ कट गया हमारा, ठीक 5 बचा है। अब तीन तीनों का गुणा किए हैं तो आ गया 6930, और ये 22, 9 और 5 का गुणा किए हैं तो 22, 9, 5 का गुणा आ गया 990, ये दोनों जोड़ दिया गया तो 7920 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है।